नमस्ते सर, नमस्ते मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी की है 5000 फायर एंड फॉरगेट ATGM और उसी के साथ 500 लॉन्चर सिस्टम की, जिन्हें की BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल पर लगाया जाएगा। कहा जा रहा है कि इन ATGMs की जो रेंज है वो 5 किलोमीटर तक होनी चाहिए और एयर लॉन्चर का वजन 25 किलोग्राम से कम होना चाहिए और ये ATGM मॉडर्न जनरेशन की होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि इन्हें कॉनकर्स M-ATGM जो कि BMP-2 व्हीकल पर माउंट है उनसे बदला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने 7.62x51mm जनरल पर्पस मशीन गन की खरीद का ऑर्डर दिया है अपनी स्पेशल फोर्सेज के लिए, जिनका वजन 10 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी बाईपॉड के साथ, और इनकी इफेक्टिव यानी कि प्रभावशाली रेंज 1000 मीटर से कम ना हो और इनका रेट ऑफ फायर 800 राउंड पर मिनट होना चाहिए। इसका जो बट है वो रिट्रैक्टेबल होना चाहिए ताकि अलग अलग ऑपरेशनल सिचुएशन में इनका इस्तेमाल किया जा सके, यानी ये एयरबॉर्न ऑपरेशन में भी सुटेबल होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट की फ्लीट है वो लगातार कम हो रही है, ऐसे में अब भारतीय वायुसेना को मानव रहित लड़ाकू विमानों यानी कि UCAVs को समय पर शामिल करना अनिवार्य हो गया है। दरअसल टेक्नोलॉजी भी बहुत तेजी से बदल रही है और मॉडर्न वॉरफेयर में जिस तरीके से प्रकृति बदली है उसे देखते हुए भारत को अपनी UCAV लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाना होगा ताकि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और जोखिमों को कम करके एक महत्वपूर्ण फायदा उठाया जा सके। दरअसल UCAV किसी भी हवाई युद्ध में एक नया आयाम लेते हैं जो युद्ध की प्रभावशीलता यानी कि कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं। एडवांस सेंसर्स, प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन और रियल टाइम एनालिसिस क्षमताओं से लैस UCAV सटीकता के साथ निगरानी, खुफिया जानकारी एकत्रित करने और सटीक हवाई हमले कर सकते हैं। इन क्षमताओं का लाभ उठाकर भारतीय वायुसेना प्रभावी रूप से खतरों को बेअसर कर सकती है और हमेशा विकसित होने वाले युद्ध क्षेत्र में एयर सुपीरियरिटी को बनाए रख सकती है। और अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल्स का इंटीग्रेशन मानव पायलटों के जोखिम को भी कम करता है और अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल्स उभरते हुए खतरों का जवाब बेहतर तरीके से दे सकते हैं। साथ ही इन्हें दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है दूसरे मिशंस के लिए, यानी इसके अलावा इन्हें अपग्रेड किया जा सकता है और भी बहुत कुछ इनके साथ किया जा सकता है। और सबसे खास बात यह है कि इनकी मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट एक मानव निर्मित विमानों की तुलना में काफी कम होती है, इसलिए भारतीय वायुसेना को दोस्तों अब अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल्स को तत्काल प्रभाव से शामिल करना होगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF ने हाल ही में व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि VRDE व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म 8x8 के 6 पैरामिलिट्री वेरिएंट्स प्राप्त किए हैं और इन्हें विशेष रूप से अर्धसैनिक बलों के लिए डिजाइन किया गया है ताकि उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। दोस्तों CRPF के पैरामिलिट्री वेरिएंट WHAP 8x8 में 8x8 व्हील कॉन्फ़िगरेशन जो कि बैलिस्टिक आर्मर प्रोटेक्शन और एनहांस्ड ब्लास्ट रेजिस्टेंस से लेस है। इसे 600 हॉर्स पावर का इंजन पावर देता है, साथ ही इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जो कि इसे एम्बिफियस क्षमताएं प्रदान करता है। यानी दोस्तों इसमें कॉस्ट इफेक्टिव 7.62mm के रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन लगाया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है उसने अपनी समय सीमा के भीतर इस वाहन को डिजाइन किया है और सफलतापूर्वक इसके यूजर ट्रायल्स को भी आयोजित किया और उसके बाद ही जब इन्हें स्वीकृति दी गई तब इन्हें CRPF को सौंपा गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत 12 देशों के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सपोर्ट करने के लिए यानी कि निर्यात करने के लिए बातचीत कर रहा है और पिछले साल आप सब जानते हैं कि फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील सफल हुई और इसे देखते हुए कई और देश इस मिसाइल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस के महानिदेशक अतुल दिनकर राणे ने कहा कि ब्रह्मोस एरोस्पेस हाइपरसोनिक प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स और मौजूदा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए वेरिएंट्स पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल में व्यापक यानी कि वाइड स्प्रेड इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी है और कई देश इस अत्याधुनिक तकनीक को खरीदने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शुरू में भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता दी गई थी, उसके बाद ही हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दोस्तों दुनिया में सबसे शक्तिशाली और तकनीकी रूप से उन्नत मिसाइल प्रणालियों में से एक है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कुछ खबरें सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन एक बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार आप बयान देख रहे होंगे, कभी भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से बयान आ रहा है तो कभी भारतीय वायुसेना प्रमुख की तरफ से बयान आ रहा है, इसके अलावा आर्मी चीफ की तरफ से भी बयान आ रहा है, तो चारों तरफ से बयान आ रहे हैं जो कि चाइना को टारगेट करते हुए दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों थिंक टैंकर्स हैं, उन्होंने भी एक विचार यहां पर रखा है और उन्होंने कह दिया है कि एक बड़े टकराव की स्थिति हो सकती है पूर्वी लद्दाख में। और हाल ही में आपने देखा होगा कई सैटेलाइट तस्वीरें चाइना की तरफ से आई हैं
जो कि ये दर्शाता है कि LAC पर चाइना की भारी भरकम डिप्लॉयमेंट, इसके अलावा हेलीपोर्ट्स, रनवे और कई तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। चीन की तरफ से पीपल लिबरेशन आर्मी की चौकियों की स्थिति से अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि किस कदर चीन की सेना हावी होने की कोशिशें कर रही है। चाइना ने दोस्तों LAC पर एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जो PLA सैनिकों की तैनाती के समय काफी मददगार साबित होगा। लद्दाख पर दोस्तों भारत अपना दावा करता है तो चाइना जिनजियांग और तिब्बत के हिस्से को अपना बताता है, और दोनों ही पक्ष अभी भी सटीक सीमा रेखा पर असहमत हैं। ऐसे में भारत चीन के बीच एक आकस्मिक संघर्ष हो सकता है जो कि बढ़ भी सकता है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड से लगती सीमाओं के साथ भी चाइना ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। कुछ समय पहले तक तो जिन जगहों पर भारतीय और चीनी पैदल गश्ती दल मिलते थे और बातचीत करते थे और पीछे हट जाते थे, उन्हीं जगहों पर अब ये जबरन घुसाए। जब तक भारतीय सेना ने जवाब दिया तब तक PLA ने कुछ जगहों पर अपने अस्थायी ठिकाने बना दिए थे। गलवान में भी दोस्तों इसी तरीके की बात हुई थी। चीन की गतिविधियां दोस्तों दो क्षेत्रों में खास तौर पर नजर आती हैं। देपसांग में महत्वपूर्ण चीनी गतिविधि जारी है तो दूसरी ओर चीन का G695 हाईवे को बनाने की उसने ठान ली है, जिसका मकसद जिनजियांग को तिब्बत से जोड़ना है और ये 2035 तक पूरा हो जाएगा। ये हाईवे अक्साई चीन से होता हुआ देपसांग से गलवान घाटी के दक्षिण में और पैंगोंग सो तक जाएगा। इस हाईवे को रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण कहा जा रहा है, जो विवादित क्षेत्र को चीन से जोड़ेगा और PLA को एक नया सप्लाई रूट मुहैया कराएगा। इसलिए भारतीय वायुसेना ने भी कह दिया है कि हम 24 घंटे सातों दिन तैयार हैं। लगातार चाइना की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है और अगर किसी भी स्थिति में युद्ध होता है तो बराबर का नुकसान चाइना को झेलना पड़ेगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ दोस्तों, कल एक बेहद दुखद ट्रेन हादसा हुआ जिसमें करीबन 288 लोगों की जान चली गई और करीबन 890 यात्री घायल हैं। घायलों को कटक, भुवनेश्वर और बालासोर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बालासोर ट्रेन हादसा दोस्तों अब तक भारत में हुई रेल दुर्घटनाओं में से चौथी सबसे घातक घटना है। हादसे की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसके बाद दुनिया भर के लोगों ने इसके लिए शोक जताया। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी हादसे में मारे गए लोगों के लिए शोक व्यक्त किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी और साथ ही PM मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं भेजी हैं। उन्होंने कहा कि इस घातक हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वालों के साथ हमारी संवेदनाएं साथ हैं। यही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से भी ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे पर शोक जताया गया है। ट्रेन हादसे में जान गंवाने वालों के लिए तुर्की ने भी शोक जताया और घायलों को जल्द से ठीक होने की कामना की। वहीं कनाडा, जापान, UK की तरफ से भी दोस्तों इस हादसे के प्रति संवेदनाएं सामने आई हैं। बाकायदा PM मोदी ने तो दोस्तों घटनास्थल का दौरा भी किया है और घायलों से उन्होंने मुलाकात भी की है। हालांकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि ऐसा हादसा हुआ तो कैसे हुआ। कहा जा रहा है कि 3 ट्रेनें टकराई हैं। फाइनल रिपोर्ट क्या आती है उसके बाद ही आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ दोस्तों, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और चीन के रक्षा मंत्री हाल ही में सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग्स डिफेंस समिट में शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान दोनों ही नेताओं ने हाथ मिलाया, लेकिन अमेरिका इससे संतुष्ट नहीं है। दरअसल शंग्रीला डायलॉग से इतर दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत होनी थी, लेकिन बीते दिनों चीन ने अमेरिका की इस पेशकश को खारिज कर दिया था। चीन के द्वारा बातचीत की पेशकश खारिज होने पर अमेरिका भी नाराज है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका का मानना है कि चीन के साथ बातचीत के रास्ते खुले रहने चाहिए, खासकर कि हमारे रक्षा और सैन्य नेताओं के बीच बातचीत जरूरी है। जितना ज्यादा हम बातचीत करेंगे उतने ही गलतफहमी की जो आशंका है वो कम होगी, इसमें संघर्ष जैसे हालात नहीं बनेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन के द्वारा बातचीत को लेकर अनिच्छा जाहिर करना बेहद चिंता वाली बात है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ दोस्तों, चाइना ने अपने CSD-620 मरीन डीजल इंजन पर फिर से काम करना शुरू कर दिया है, जिन्हें की पाकिस्तानी नौसेना की 8 सबमरीन में लगाया जाएगा पावर देने के लिए, और ये जो पनडुब्बियां हैं उन्हें कराची शिपयार्ड और चाइना में बनाया जा रहा है। ये फैसला पाकिस्तान ने पिछले साल लिया था कि वे अब चाइना के इंजन का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जर्मनी ने अपने MTU-396 इंजन चाइना को देने से मना कर दिया। वहीं दोस्तों थाईलैंड ने भी चाइनीज मरीन डीजल इंजन को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं थी। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अभी तक के डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।